बड़ी खबर की यूपी में 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। प्रवीण लक्षकार को मिर्जापुर का डीएम बनाया गया है। हाथरस डीएम प्रवीण लक्षकार को बड़ा जिला दिया गया है। नवनीत सिंह चहल डीएम मथुरा बनाए गए हैं। एस राजलिंगम डीएम कुशीनगर बनाए गए हैं। संजीव सिंह डीएम चंदौली बनाए गए हैं। मार्कंडे शाही डीएम घोटना बनाए गए हैं। नितिन बंसल डीएम प्रतापगढ़। कंचन वर्मा एमडी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन। कृष्णा करुणेश को उपाध्यक्ष गाजियाबाद प्राधिकरण। श्रीमती श्रुति डीएम बलरामपुर बनाई गई हैं। अपूर्वा दुबे डीएम फतेहपुर बनाए गए हैं। रमेश रंजन डीएम हाथरस बनाए गए हैं। सुनील वर्मा डीएम औरैया। सुशील पटेल संयुक्त प्रबंध निदेशक जल निगम। भूपेन चौधरी विशेष सचिव सिंचाई। सर्वग्राम मिश्रा विशेष सचिव जीएसटी बने हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नए साल के आगाज से एक दिन पहले यहां पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 16 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। और खास बात यह है कि हाथरस के डीएम रहे प्रवीण लक्षकार को अब मिर्जापुर का डीएम बना दिया गया है, जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी कहा था। उसके बाद अब यहां पर उन्हें मिर्जापुर भेज दिया गया। तो यूपी में 16 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रवीण लक्षकार को मिर्जापुर का डीएम बनाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे जुड़ गए हैं। अभिषेक, नए साल से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल? कुछ लोगों ने, क्योंकि साल के आखिर में अमूमन ऐसे फेरबदल देखने को मिलते हैं, कई अधिकारी रिटायर होते हैं और उसके बाद जो जगहें खाली होती है वहाँ पे फेरबदल होते हैं। लेकिन आज जो 17 आईएएस हैं उनमें ज्यादातर जो जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। सबसे खास है कि हाथरस के जो जिलाधिकारी हैं उनको वहां से हटाया गया है, और ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि हाथरस में जो कांड हुआ था उसके बाद से लगातार उनको हटाने की मांग चल रही थी। फिलहाल आज ये एक बड़ा फेरबदल, इसको साल के आखिरी दिन कहा जा सकता है। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। यूपी में 10 पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। विजय प्रकाश